हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फेसबुक की 5 सुपर सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आपके फेसबुक के अंदर है लेकिन आप उनका यूज नहीं करते या भूल चुके हैं। दोस्तों यदि आप भी एक फेसबुक यूजर हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा फेसबुक की 5 पर सीक्रेट सेटिंग, ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से समझना। अब आपको अपनी फेसबुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब दोस्तों मैं आपको सबसे फर्स्ट नंबर की सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि इस सीक्रेट सेटिंग्स का क्या काम है। आपको दोस्तों यहां पर 3 लाइन पर क्लिक करना है, यहां पर दोस्तों सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, ध्यान से देखना सेटिंग्स का, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों सबसे पहले सीक्रेट सेटिंग की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपका फेसबुक अकाउंट है कहां कहां पर लॉगिन है, ठीक है। आपको दोस्तों यहां पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने मिलेगा, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन है, वेयर यू आर लॉग इन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपना दोस्तों जो भी फेसबुक अकाउंट है उस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि जो आपकी फेसबुक आईडी है कितने मोबाइल फोन के अंदर यूज हो रही है, कहीं आपका फेसबुक अकाउंट हैक तो नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों कोई ऐसा आपको मोबाइल नंबर दिखाई देता है, कोई दूसरा मोबाइल फोन का नाम आता है, कोई एंड्रॉइड इन्फिनिक्स, तो आपका जो मोबाइल फोन की जो है फेसबुक है वो दोस्तों हैक हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, उसके मोबाइल फोन से लॉग आउट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करना है, उसको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। और दोस्तों किसी बंदे ने आपकी फेसबुक को हाँ अपने मोबाइल फोन के अंदर लॉगिन किया हुआ है ना, वो उसके मोबाइल फोन से हट जाएगी और आपकी फेसबुक रिकवर हो जाएगी। दोस्तों ये है फेसबुक की सीक्रेट सेटिंग्स की पहली ट्रिक, ठीक है। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको फेसबुक की सेकंड नंबर की सीक्रेट सेटिंग बताऊंगा, दोस्तों ध्यान से देखना। अब दोस्तों इस सीक्रेट सेटिंग्स का क्या काम है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो आप अपनी फेसबुक के अंदर प्रोफाइल लगाते हैं दोस्तों, उस प्रोफाइल को कोई भी बंदा स्क्रीनशॉट मार लेता है, उसका गलत उपयोग कर लेता है। अब दोस्तों इस सीक्रेट सेटिंग की मदद से आप अपनी प्रोफाइल फोटो पर यहाँ पर दोस्तों पिक्चर गार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इससे क्या होता है, कोई भी बंदा आपकी जो प्रोफाइल है उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा, आपकी प्रोफाइल का गलत उपयोग नहीं कर पाएगा, ठीक है। दोस्तों इस सेकंड नंबर की सीक्रेट सेटिंग की मदद से आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर की सीक्रेट सेटिंग्स की ओर। अब दोस्तों इस सीक्रेट सेटिंग्स का क्या काम है, दोस्तों आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है, फिर से सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू। अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर आपको दोस्तों बहुत खतरनाक सीक्रेट सेटिंग देखने को मिलेगी। यदि आप फेसबुक के अंदर इन सीक्रेट सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फेसबुक को चलाने में पहले से ज्यादा मजा आएगा, दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, वो कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब इनका मतलब क्या है, दोस्तों यदि आपके पास कोई भी बंदा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है जिसे आप नहीं भी जानते हैं, वो भी रिक्वेस्ट भेज देता है, तो आप यहां पर उसको बंद कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और उसके फ्रेंड्स हैं वही सिर्फ आपको रिक्वेस्ट भेज पाएंगे, नहीं तो कोई भी बंदा आपको रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको नीचे आना है, वो कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। अब यदि आपकी जितने भी फ्रेंड लिस्ट है आप चाहते हैं कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको कोई भी ना देख पाए, तो आप यहां पर उसको दोस्तों कर सकते हैं ओनली मी, ठीक है। अब जितने भी आपके फ्रेंड होंगे ना वो दोस्तों कोई भी बंदा नहीं देख पाएगा, सिर्फ आप ही उन फ्रेंड को देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से आप फेसबुक की इस सीक्रेट सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं 4 नंबर की सीक्रेट सेटिंग्स की ओर। अब दोस्तों इस सीक्रेट सेटिंग्स का क्या काम है, दोस्तों यदि आप फेसबुक पर कोई स्टोरी लगाते हैं, आप चाहते हैं किसी एक बंदे से स्टोरी को हाइड करना, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको करना क्या है, स्टोरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों स्टोरी प्राइवेसी पर आना है। जब दोस्तों आप यदि चाहते हैं कि जब भी मैं स्टोरी लगाऊं फेसबुक पर वो पब्लिक हो जाए, सभी बंदे उसको देख पाएं, तो आप उसको पब्लिक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं जितने आपके फ्रेंड्स हैं सिर्फ वही आपकी स्टोरी को देख पाएं, तो आप फ्रेंड्स कर सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी एक बंदे से स्टोरी को हाइड करना, ठीक है, तो आप दोस्तों इनको यहाँ पर इस तरीके से टिक कर सकते हैं। अब जब भी आप फेसबुक पर स्टोरी लगाएंगे
तो अब इन बंदों को आपकी स्टोरी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप 4 नंबर की सीक्रेट सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब दोस्तों चलते हैं 5 नंबर की सीक्रेट सेटिंग्स की ओर। दोस्तों यदि आप चाहते हैं फेसबुक पर 24 घंटे ऑनलाइन होने पर भी ऑफलाइन दिखना चाहते हैं, तो आप 5 नंबर की सीक्रेट सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी ही में ही आना है, एक्टिव स्टेटस पर आना है। यदि आप इस सेटिंग को बंद कर देंगे ना, तो आप दोस्तों 24 घंटे ऑनलाइन भी रहेंगे, फिर भी किसी बंदे को आप दोस्तों फेसबुक पर ऑनलाइन नहीं दिखेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप फेसबुक की 5 सुपर सीक्रेट सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। दोस्तों चलिए, आपका दिन शुभ हो।